नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। रंका से हमारे संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। रंका, रंका शहर में किराए के मकान लेकर रहने वाली आशा देवी पति गुड्डू कुमार बिहार के नबी नगर जिला औरंगाबाद के निवासी, जो बिल्कुल भूमिहीन है। लोगों का कहना है कि आशा देवी अपने बच्चे और पति के साथ रंका शहर में विगत 10 वर्षों से किराए के मकान में रहकर एवं जहां तहां गुजर बसर किसी तरह कर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से गुड्डू कुमार मजदूरी का काम नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते आशा देवी की पूरा परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है। 3 बच्चों की मां आशा देवी ने बताया कि मैं अत्यंत गरीब हूं, भुखमरी का मार झेल रही हूं। ग्रामीणों ने आशा देवी की भुखमरी स्थिति को देखते हुए इसकी सूचना तुरंत रंका प्रखंड के युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी को दी। सूचना मिलते ही किराए के मकान में रह रही आशा देवी से मुलाकात कर उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए रंका प्रखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी ने माननीय सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से आशा देवी की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराई। सारी समस्या का अवगत होने से ही माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के निर्देश पर कर भला तो सब भला, रंका प्रखंड के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने निजी खर्च से तुरंत आशा देवी को 45 केजी चावल, गैस चूल्हा एवं नगद राशि दी गई। रंका प्रखंड युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी ने बताया कि आशा देवी और उनके परिवार को आधार कार्ड एवं पहचान पत्र भी नहीं है। उन्होंने जब भी बताया कि बहुत जल्द आधार कार्ड बनवा दिया जाएगा ताकि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। आगे भी उन्होंने कहा कि रंका प्रखंड के वृद्ध, असहाय, दिव्यांग एवं गरीब लोगों को किसी भी सूरत में भुखमरी से मरने नहीं दूंगा। इस मौके पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा, झारखंड मुक्ति मोर्चा रंका प्रखंड के युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी, प्रखंड सचिव पप्पू यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता पिंकू सिंह, युवा नेता रंजीत सोनी, राजन कुमार, चंद्रशेखर तिवारी, अरविंद सोनी आदि उपस्थित थे। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।